टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर लास्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड द फॉलोइंग ए पार्ट -36 डिवाइड बाय 4 -36 डिवाइड बाय 4 4 9 जा 36 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -9 सी पार्ट -300 डिवाइड बाय 12 300 को 12 से डिवाइड करेंगे 300 12 से 12 टू जो 24 6 0 डाल लेंगे 12 5 जो 60 हमारा आंसर आ जाएगा -25 अब यहां पर आपके पास है 0 अपॉन में 46 0 अपॉन में 46 इज इक्वल टू क्या होता है 0 अगर ये 46 अपॉन में 0 होता तो क्या होता इन्फिनिटी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ए पार्ट एविलेट -45 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय -3 -45 डिवाइड बाय 5 डिवाइड -3 5 9 जा 45 -9 को -3 से डिवाइड करेंगे -9 डिवाइड बाय -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9 तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सी पार्ट -16 प्लस 16 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय -6 अब यहाँ पे क्या है आपका 16 प्लस -16 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस 0 डिवाइड बाय -6 0 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू क्या होता है 0 क्वेश्चन नंबर थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट वन पार्ट ए डिवीजन इज द डैश ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से एडिशन का उल्टा जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन का उल्टा जो है वो डिवीजन होता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इनवर्स डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन सी पार्ट -12 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेगी पॉजिटिव 12 आए तो यहाँ पे माइनस का 12 है अब इसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम नंबर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 डैश डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 53 किससे डिवाइड करें कि -1 से डिवाइड करें कि कितना है 53 है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा -53 जब -53 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 53 आंसर क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 राइट 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू -6 हमें तीन पेयर ऐसे लिखने हैं कि डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए -6 तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा आपका -12 बाय 2 2 को 12 कैसे डिवाइड करेंगे -6 सेकंड पेयर -18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -6 और थर्ड पेयर हो जाएगा आपका -24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -6 यहाँ पे 2 6 12 3 6 18 और 4 6 24 तो तीन पेयर हो गए हमारे 12 2 18 और 3 -24 और 4 क्वेश्चन नंबर 5 बाय व्हाट नंबर शुड -414 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 23 लेट द नंबर डिवाइडेड लेट द नंबर शुड बी डिवाइडेड इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -414 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 23 तो -414 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 23 एक्स इधर डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 414 इज इक्वल टू 23 इंटू में एक्स एक्स इज इक्वल टू -414 अपॉन में 23 को 414 से डिवाइड करेंगे 414 डिवाइड बाय 23 11 में से 8 11 में से 3 8 3 में से 2 1 4 23 8 जा 8 3 जा 24
8 3 24 8 carry 2 8 2 16 2 18 आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -414/23 26 से डिवाइड किया तो कितना आया -18। क्वेश्चन नंबर 6 बाय व्हाट नंबर शुड 6 2 6 7 2 बी डिवाइडेड टू ऑब्डेंट -12 किससे डिवाइड करें कि आंसर कितना आए -12 लेट द नंबर शुड बी डिवाइडेड x according to question 672 divided by x is equal to -12 672 divided by x is equal to -12 x इधर डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 672 is equal to -12 into में x is equal to 672 upon में -12 672 को 12 से डिवाइड करेंगे 672 divided by 12 5 60 7 2 12 6 72 हमारा आंसर हो जाएगा -50 -56। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -4 टू ऑब्टेंड 24 4 को किससे डिवाइड करें कि आंसर कितना है 24 लेट should be divided by 4 is equal to x according to question x divided by 4 is equal to 24 x upon me -24 is equal to 24 4 इधर माइनस हो रहा उधर जाएगा इधर डिवाइड हो रहा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 24 इनटू 4 24 4 जा 96 तो x इज इक्वल टू 96। क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड 6 टू द कोशेंट ऑफ -312/6। इसमें आपको दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो -12 और 6 का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा -312 को 6 से डिवाइड करना है। जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें ये जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की उसको ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल -12 इंटू 6 12 6 जा 72 सेकंड 6 डिवाइड बाय 312 6 5 जा 30 6 2 तर लिया 6 2 जा 12 ये आ गया आपका यहाँ पे आपका आ गया -52 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट और उधर का -312 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे उसका क्वेश्चन दोनों को क्या करना है ऐड करना है -72 प्लस -52 दोनों को प्लस कर देंगे -72 प्लस 52 माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का आएगा 2 2 4 और 7 5 12 तो आपका आंसर हो जाएगा -124। रिपीट अगेन 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 6 72 माइनस का था तो -72 आएगा इधर -312 को 6 से डिवाइड किया -52 आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को प्लस करना था तो -72 प्लस -52 माइनस माइनस प्लस निशान माइनस -124 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -240 इफ वन नंबर इज 15 फाइंड द अदर लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू -240 तो आपका x हो जाएगा x इज इक्वल टू -240 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड 15 को 240 से डिवाइड करेंगे 15 1 जा 15 9 15 6 जा 90 क्योंकि ये नेगेटिव था तो आंसर आ जाएगा हमारा -16।
Today is your homework exercise 1.3 question 1 to 10. All sums do in rough copy. तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है.